साथियों को 500 रुपए मजदूरी देकर मोबाइल उड़ाने वाली झारखंड की अंतरराज्यीय टोली धनतोली पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 लाख रुपए कीमत के 73 मोबाइल बरामद किए हैं और आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शहबाज खान, मोहम्मद अंसार खान, मोहम्मद इरशाद अंसारी, मोहम्मद नौशाद अंसारी और शेख बाबर शेख असलम महाराजपुर साहबगंज झारखंड बताए जा रहे हैं। दरअसल नरेंद्र नगर निवासी अभियंता संदेश बिनर गुरुवार की रात 8:30 बजे पत्नी के साथ साईं मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। मंदिर के सामने फुटपाथ पर प्रसाद वितरण हो रहा था। संदेश प्रसाद लेने के लिए आए, इसी दौरान भीड़ का लाभ उठाकर उनके पैंट की जेब से आईफोन उड़ा लिया। संदेश ने तत्काल धनतोली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को मोबाइल की लोकेशन से आरोपी यशोधरा थाने के भीलगांव में होने का पता चला। पुलिस ने तत्काल वहां दबिश देकर पूछताछ आरंभ की। उसे भीमराव रोकड़े नामक व्यक्ति ने अपने घर में एक माह से भारी किराएदार होने का बताया। पुलिस ने तत्काल किराएदार के कमरे में दबिश दी तो आरोपी मिल गए। कमरे की तलाशी लेने पर संदेश के मोबाइल सहित 73 मोबाइल बरामद हुए। आरोपियों ने नागपुर सहित कई शहरों से मोबाइल चुराना कबूल किया। आरोपी देश भर में घूमते हैं, पहले कई मौकों पर नागपुर आए हैं। मोबाइल चोरी का काम नाबालिग करते हैं, उन्हें भीड़ में घुसकर मोबाइल चोरी का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक दिन की रोजी 500 रुपये होती है, यह राशि उनके परिजनों को दी जाती है। नाबालिग को खर्च के लिए 200-250 रुपये और भोजन दिया जाता है। गिरफ्तार आरोपी नाबालिगों को ऑटो से भीड़भाड़ वाली जगह पर छोड़ देते हैं, मोबाइल चुराने के बाद उन्हें लेने आते हैं अथवा नाबालिग खुद भी किराए के घर में पहुँच जाते हैं। नाबालिग कुछ मौकों पर पकड़े भी जाते हैं। पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद वह मुंह नहीं खोलते, मजबूर होकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। धनतोली पुलिस को भी कई मौकों पर इस अवस्था का सामना करना पड़ा है। आरोपी चोरी के मोबाइल को महज 2000 रुपए में पश्चिम बंगाल में बेचते हैं, वहां से मोबाइल नेपाल पहुँचते हैं। नेपाल में आईफोन की काफी डिमांड है, इसकी अधिक कीमत मिलती है। कल रात पुलिस थाना धनतोली यहाँ पे कंप्लेनेंट संदेश बिनक उम्र 31 साल रहना नरेंद्र नगर ये साई मंदिर यहाँ पे अपने परिवार के साथ पूजा पाठ के लिए आए थे। वहाँ आने के बाद उनका मोबाइल किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके गया है। वो उसकी कंप्लेन लेके पुलिस थाना धनतोली यहाँ पे आए। धनतोली पे कार्यरत नाइट अधिकारी पोपनी मारकवाड़ इन्होंने उनकी कंप्लेन रजिस्टर की, ऑफेंस रजिस्टर किया और जो मोबाइल था उनका एप्पल कंपनी का वो मोबाइल का तुरंत लोकेशन ट्रेस पे डाला था। मोबाइल सिम स्विच ऑफ आ रहा था लेकिन एप्पल कंपनी का मोबाइल नेट से कनेक्टेड होने की वजह से हमारी टीम को लोकेशन ट्रेस हुआ था। जो लोकेशन हमको ट्रेस हुआ था वो यशोधरा नगर एरिया का ग्राम पंचायत एरिया है, वहाँ का आ रहा था। तभी पोपनी मारकवाट नाइट अधिकारी हमारे DB के सुभाष NPC बाळू PC विनोद PC मानिक और नए प्रोबेशनरी PSI जाधव ये पूरी टीम वो एरिया में सर्च के लिए गई। वहाँ पे पूछताछ करने के बाद कुछ घरों में पूछताछ करने के बाद उनको वहाँ पे एक घर में कोई किराएदार अभी अभी नए एक महीना पहले रहने के लिए आए हैं और वो बाहर स्टेट के हैं ऐसा पता चला। वो पता चलने के बाद हमारी टीम ने वहाँ के जो घर मालिक है रोकड़े जी उनको आने का प्रयोजन बताया और पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो तीनों जो लड़के हैं वो अभी अभी रहने के लिए आए हैं। तो वो हमारी टीम वहाँ पे जाके वहाँ वो जहाँ पे रहते हैं और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जो हमारा जो गुना रजिस्टर था वो गुने का मोबाइल हमारी टीम को मिला। उसके साथ साथ उसी घर में अलग अलग जगह पर छिपाए हुए एक 73 मोबाइल हमारी टीम ने जब्त किए और आरोपी को ताबे में लेकर उनको अरेस्ट की कार्रवाई की है। तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। 9-10 तारीख तक के पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। जो अटक आरोपी है उनका मोडस अटक आरोपी है मोहम्मद शहबाज खान जो मोती झरना झारखंड के रहने वाले हैं। उनके साथीदार है मोहम्मद अंसारी, शेख बाबर शेख असलम, ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। ये सब नागपुर सिटी या पूरे भारत भर अलग अलग एरिया में जाके जो अल्पवयीन बालक है उनकी मदद से मोबाइल चोरी करना और चोरी किए हुए मोबाइल बाहर राज्य या बाहर अदर कंट्री में भेजना ये इनका मोडस है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला है। अभी जो कस्टडी में आरोपी है उनको अधिक पूछताछ करना जारी है।
अभी 73 मोबाइल जब्त किए हैं, कम से कम 9 लाख का माल पुलिस ने जब्त किया है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।